भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव में अपने दम पर 370 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। बीजेपी का फोकस साउथ की ओर ज्यादा है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी नेता दक्षिण भारतीय राज्यों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ये मेहनत पानी में जाती हुई नजर आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल जनता का मन टटोलने के लिए ईटीजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों का सर्वे किया है, जिसमें बीजेपी को आगामी लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान होते हुए दिख रहा है। इस सर्वे के मुताबिक भगवा पार्टी तमिलनाडु और केरल जैसे दक्षिण राज्यों में खाता तो खोल सकती है, लेकिन नंबर्स में काफी पीछे है। सबसे पहले हम बात करते हैं तमिलनाडु की। सर्वे के मुताबिक 39 सीट वाले तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके को 21 से 22 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 5 से 7 सीटें जीतने की उम्मीद है। वहीं बीजेपी को 2 से 6 सीटें मिलने की संभावना है। बीजेपी की पूर्व सहयोगी एआईएडीएमके भी 1 से 3 सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य 4 से 5 सीटें जीत सकते हैं। अगर केरल की बात करें तो केरल में सर्वे के अनुसार बीजेपी इस बार अपना खाता खोल सकती है। 20 सीट वाले केरल में कांग्रेस को इस बार 8 से 10 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं कांग्रेस की सहयोगी आईयूएमएल को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं सीपीएम को 6 से 8 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है। वहीं तेलंगाना की बात करें तो 17 लोकसभा सीट वाले तेलंगाना में इस बार बीजेपी को 4 से 6 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं हाल ही में राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस के 8 से 10 सीटें जीतने की उम्मीद है। वहीं सर्वे के मुताबिक एआईएमआईएम को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली बीआरएस 1 से 3 सीटों पर सिमट सकती है। वहीं अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहां सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी को 21 से 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी की सहयोगी टीडीपी और जनसेना मिलकर 3 से 4 सीटें जीत सकती है। वहीं सर्वे के मुताबिक भगवा पार्टी राज्य में अपना खाता खोल ही नहीं पाएगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।